हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम मिश्रा। दोस्तों, शो भक्त एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हो गए हैं और फिर से उन्होंने जो है वो इंडिया के बारे में बात करी है। स्टेटमेंट दिया उन्होंने विराट कोहली के बारे में, स्टेटमेंट दिया उन्होंने आरसीबी टीम मैनेजमेंट के बारे में। क्या स्टेटमेंट दिया है पूरा आप इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट क्रिकेटिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती रहती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों, शोएब अख्तर ने यह कहा है कि आरसीबी टीम मैनेजमेंट को उन्होंने सबसे ज़्यादा स्लैम किया है और उनके इस साल के आईपीएल परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने बात की है। और विराट कोहली को खासतौर पर उन्होंने कहा है कि जैसे कि उनकी कप्तानी के बारे में थोड़ा सा उनको क्रिटिसाइज़ किया है और कहा है कि उनकी कप्तानी जो है वो आईपीएल में अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जब इंडिया की कप्तानी करते हैं तो उनके पास काफ़ी अच्छे बॉलर्स होते हैं, तो लेकिन जब वो आरसीबी की कप्तानी करते हैं तब उनके पास उतने क्वालिटी के बॉलर्स नहीं होते हैं, इस वजह से वो अभी तक जो है वो खिताब नहीं जीत पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया आरसीबी टीम मैनेजमेंट को, तो वो थोड़ा सा मतलब चौंकाने वाला भी है और उस पर मतलब थोड़ी सी हंसी भी आती है, क्योंकि इससे पहले भी शोएब अख्तर अजीब तरीके से कंपैरिजन कर चुके हैं। उन्होंने हैदर अली ने जब एक T20 मैच खेला था इंग्लैंड में, तब उसको कंपेयर कर दिया था डायरेक्ट रोहित शर्मा से, और उसके बाद उन्होंने सचिन तेंदुलकर के बारे में भी कहा था कि यार ये जब मैं जब इसके सामने बॉलिंग करता था तो इसके पाँव कांपने लगते थे, और मतलब इस तरह के अजीब अजीब से स्टेटमेंट दिए जिससे उनको मुझे तो हंसी आती है। आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता होगा पर मुझे तो बहुत हंसी आती है। और मतलब और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि स्टार स्पोर्ट्स की रेटिंग जो है वो मेरी वजह से बढ़ी थी, क्योंकि जब तक मैं वहाँ काम कर रहा था तो उस समय स्टार स्पोर्ट्स को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो मतलब इस तरीके के अजीब से और मजाकिया स्टेटमेंट, पता नहीं कि मैं तो मजाकिया ही बोलूँगा, ऐसे वो देते हैं तो काफ़ी मतलब अजीब भी लगता है कि इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर इस तरह से बातें करता है। और अब वो दोबारा से एक्टिव होकर ये भी दिखाना चाह रहे हैं पीसीबी को कि यार मैं जो है वो चीफ सेलेक्टर बनने की अभी दौड़ में हूँ और मुझे चीफ सेलेक्टर बना लो, क्योंकि अब वो इंडिया के बारे में बात करने लगे हैं दोबारा। लेकिन अगर चीफ सेलेक्टर वो तभी बन सकते हैं पाकिस्तान के, अगर वो इंडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहता होगा कि वो किसी ऐसे को चीफ सेलेक्टर बनाए जो यूट्यूब में चैनल पर अपने इंडिया की तारीफ करता हो। तो जो है अब शोएब अख्तर साहब को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्लैम किया और आरसीबी टीम मैनेजमेंट को कहा कि उनके पास अच्छे बॉलर्स नहीं है, सिराज जो कि अब इंडियन टीम में भी सेलेक्ट हो गए उनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि सिराज जो है वो क्वालिटी बॉलर नहीं है, विराट कोहली की कप्तानी अच्छी नहीं है, तो मतलब मैं तो इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि सिराज हाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इस बार के आईपीएल में, बट मेरे अकॉर्डिंग इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि कुछ मैचेस में सिराज की बॉलिंग की वजह से ही आरसीबी जीती थी और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और अब तो वो इंडियन टेस्ट स्क्वाड में भी सेलेक्ट हो गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाएगा, तो इतने बुरा बॉलर भी नहीं जितना शोएब अख्तर ने बताया। और बाकी विराट कोहली की कप्तानी के बारे में जो बात की जाए तो हाँ उनकी ये बात तो ठीक है कि इंडियन टीम में उनके पास सपोर्ट ज़्यादा होता है बॉलिंग में। फिर एक और बात जो शोएब अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल के पे जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस साल जो है वो आईपीएल ज़्यादा अच्छे से फॉलो नहीं किया और आरसीबी टीम की परफॉर्मेंस भी फॉलो नहीं करी। तो भाई जब आप खुद कह रहे हो कि मैंने फॉलो नहीं किया आईपीएल और किसी भी टीम की परफॉर्मेंसेस देखी नहीं, तो फिर आप कैसे टीम मैनेजमेंट को स्लैम कर रहे हो और कैसे विराट कोहली के बारे में बता रहे हो, कैसे उनके बॉलर्स के बारे में बता रहे हो कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं करी। आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था और जितने लोगों ने भी इसको सुना होगा या देखा होगा तो उनको भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा होगा, क्योंकि लेकिन खैर शोएब अख्तर हैं तो वो इस तरीके के स्टेटमेंट उनसे एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी ऐसे स्टेटमेंट दिए जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।